प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, और जिसमें ये दोनों बात करेंगी प्रधानमंत्री मोदी से लेके राहुल गांधी तक। तो ये वीडियो काफी मजेदार और नॉलेजेबल होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसकी लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी ने, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना के लिए हमेशा तैयार रहता है कि ना हम पाकिस्तान से बात करेंगे और चाइना के साथ हमें जंग की तैयारी करनी है। कांग्रेस की जो सरकार है, राहुल गांधी जो उनके चेयरपर्सन है, उन्होंने US में कहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा अच्छा मुल्क है। डेफिनेटली अच्छा तो है, लेकिन इंडियंस क्यों बोल रहे हैं और कहा कि वहाँ पर जॉब्स हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जब जब भारत की लीडरशिप BJP के अलावा बाहर जाती है तो वो या तो पाकिस्तान की तारीफ करती दिखाई देती है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि चलो इंडिया से हमारी कोई तारीफ कर रहा है, और दूसरी जानिब चाइना को हमेशा इंडिया जो है स्नब करता रहता है। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी तारीफ की है कि चाइना बहुत अच्छा मुल्क है। नाज़िया जी क्या कहेंगे आप, क्या दोस्ती करने की बातें हो रही है चाइना के साथ? देखिए, राहुल गांधी से हमें एक्सपेक्टेशन कुछ है। अच्छा, राहुल गांधी एक मजारी बाबा हैं जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के वो फूल वूल चढ़ाते हैं, फातिहा वातिया पढ़ते हैं, वो अजमेर शरीफ जाते हैं, माथा टेकते हैं और फूल वूल चढ़ाते हैं, जो हमारे अलकुरान के हिसाब से भी शिर्क है। राहुल गांधी के सपोर्टिंग में कौन है? PFI है, जो केरला में तेलंगाना में जिहादी एक्टिविटीज करता है और ऑन रिकॉर्ड और स्टैम्प्ड UN की तरफ से भी PFI एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो राहुल गांधी जी को समर्थन देता है। राहुल गांधी जी को कौन समर्थन देता है? जो किसान आंदोलन में टिकैत बैठता है और अभी 48 घंटे पहले वो टिपू सुल्तान के मजार में जाकर के फातिहा पढ़ता हुआ दिखाई दिया था, वो टिपू सुल्तान जिसने अपने तलवार से तकरीबन 50,000 से ज्यादा राजपूतों का गला रेता था और उतारा था। तो राहुल गांधी जी का संगठन ये, राहुल गांधी जी किसको समर्थन करते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करते हैं, जिनके यहाँ से गजवाए हिंद का नारा लगता है। तो राहुल गांधी जी 123 बार जब विदेश छुप करके गए थे, तब भी उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो भारत विरोधी है। अच्छा, जो भारत की सभ्यता और संस्कार का विरोध करता है। राहुल गांधी जी 7 बार जब ऑन रिकॉर्ड और लोगों को बता करके प्रेस रिलीज करके जब वो विदेश यात्रा किए थे, तो वो कजाकिस्तान और ऐसे ऐसे जगह पे जाकर के ऐसे लोगों से मुलाकात किए थे जो भारत को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहता है। राहुल गांधी के एक चचा हैं, चचा जान है सैम पित्रोदा, जो शक्ल से बिल्कुल चाइनीज हैं और वो हमेशा विदेश में ही रहते हैं, और विदेश में रह करके वो राहुल गांधी को समर्थन करते हैं और चाइना के लोगों से और चाइना के आतंकवादियों से और पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुलाकात करवाते हैं। राहुल गांधी जी की कई पिक्चर्स है वो जो जॉर्ज सरोस के साथ दिखाई दी है। जॉर्ज सरोस जो न्यूज क्लिप के मामले में अब स्टैम्ड आतंकवादी करार दिया जा चुका है, और जॉर्ज सरोस के द्वारा हमारे भारत में बैठे हुए कई ऐसे पत्रकार हैं जो पैसे के लालच में जॉर्ज सरोस का काम करते हैं और भारत का विरोध करते हैं। अब राहुल गांधी जी ने चाइना का बहुत तारीफ किया है, चाइना में कहा है कि उन्होंने, उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चाइना में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में वर्ल्ड ग्लोबल प्रेस रिकॉर्ड के हिसाब से 21.3% है, हमारे भारत से ज्यादा है। बेशक हमारा भारत पीछे था जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी हमारा भारत बहुत आगे है और एम्प्लॉयमेंट में बहुत आगे है। और ये ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ 2023 में भारत में 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन चाइना में 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 0.5% आगे चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में चाइना, और टोटल लिया जाए तो 21.3% है। राहुल गांधी जी ने US में बैठ करके चाइना की तारीफ करते हुए और भारत की बुराइयां करते हुए ये कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज है जो बैंकरप्ट है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारे भारत में, और आप गूगल में सर्च कर लें, वर्ल्ड रिकॉर्ड निकाल लें, ग्लोबल रिकॉर्ड निकाल लें, या आप जो बायस्ड चैनल्स हैं BBC वर्ल्ड न्यूज या अल जजीरा निकाल लें,
हमारे भारत में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो जो बैंकरप्ट है। हाँ, ममता बैनर्जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे चिटिंगबाज और चिटिंग वाले जो कांग्रेस से अलायंस पार्टी है टीएमसी, उसमें बहुत सारे स्कैमबाज कंपनीज चली थी जो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है और कई लोग जेल की हिरासत में है। लेकिन चाइना में तीन ऐसी बिगेस्ट बैंकरप्ट कंपनीज है जो वर्ल्ड में फेमस है, जैसे एवरग्रैंड इज वन, उसके बाद जोंगजाही ग्रुप इज नंबर टू, उसके बाद फिर तियानरुई इज नंबर थ्री। ये तीन नाम मैंने ऐसे दिए हैं जो गूगल में आप सर्च करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की पुलिस इस कंपनी के ओनर को ढूंढ रही है। और वहीं पर आप भारत को चेक कीजिएगा तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको पूरे दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है। अब आती है बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर, और किसके साथ मिलकर? हाँ, और किसके साथ मिलकर के? रशिया के साथ मिलकर के। और हमारा और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद जी, उसके बाद फिर एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट प्रोफेसर किशोर जी के हिसाब से ये एक एक सर्वे किया गया है, उनकी पूरी टीम ने सर्वे किया है, जो एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट हैं और इस देश के, इस दुनिया देश, हमारे देश के नहीं, इस पूरी दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर किशोर है, जिन्होंने सर्वे में ये बताया है कि अब ब्रिटेन और यूके लॉन्गर ग्रेट कंट्रीज में नहीं माना जाएगा, और यूएनएससी जो सीट जो है वो इंडिया को यूके को देना पड़ेगा थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री के हिसाब से। बिल्कुल, ये बात कही उन्होंने, है ना। और उन्होंने ये भी बोला है पूरे दुनिया को, उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है जो सिंगापुरियन डिप्लोमेट हैं प्रोफेसर किशोर साहब, कि ऐसा एक ऐसा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो एक ही दौरे में यूक्रेन और रशिया दोनों जगह जाता है। सही बात है, ये तो मैजिक है, मोदी मैजिक। और दोनों जगह के प्रेसिडेंट उनको वार्म वेलकम करते हैं, दोनों जगह के प्रेसिडेंट उनसे बहुत इज्जत से पेश आते हैं, दोनों जगह के प्रेसिडेंट वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं आगे हाथ बढ़ाते हैं कि हम टेबल टॉक करके वॉर को रोकेंगे। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है? ऐसा सिर्फ एक प्रधानमंत्री है इस पूरी दुनिया में, और उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जो मेरे प्रधानमंत्री हैं। इसलिए नाज़िया लाही खान अपने आप को मुसलमान भारतीय नागरिक होने पर बहुत फक्र महसूस करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी माँ की लालसा में, अपने माँ के प्रेशर में देश विरोधी होते चले जा रहे हैं। और अगर भारत देश के नागरिक अब भी राहुल गांधी को नहीं समझे तो कहीं ऐसा ना हो कि नेहरू वाला हरकत राहुल गांधी जी भी कर बैठे और देश के टुकड़े वो कर दें। और इन क्रक्स में आपको एक हेडलाइन दे देती हूँ कि राहुल गांधी इज द टेरर, इज द डेंजर फिगर फॉर आर भारत। ठीक है, चलिए, ये तो भारत की कुछ खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की, नाज़िया लाही खान की सपोर्ट के साथ। और जॉर्जिया मेलानी का भी इस पे बहुत बड़ा बयानिया आया है कि मोदी साहब जो हैं वो रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं, और पुतिन ने भी कहा है कि भारत जो है एक बेस्ट मीडिएटर के तौर पर काम कर सकता है। तो ये भारत की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है, भारत की डिप्लोमेसी इस पर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना गूंज रही है, बहुत ज़बरदस्त इस खत्ते के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और वर्ल्ड वाइड। तो बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जैसे हमने गणेश पंडाल से बात शुरू की थी और पॉलिटिक्स पे एंड की है, तो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, देखे हर कंट्रीज के अंदर हर रिलीजन को जो है अपने आप में रहने का जो है वो क्या कहते हैं हक होना चाहिए। और हम पाकिस्तान के अंदर भी रोड शो में चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये कहते हैं कि जितना पाकिस्तान मुसलमानों का है खुदारा उतना हिंदुओं का भी है, उन्हें भी जीने का हक दे। तो खैर, ये रिलीजियस फाइट पता नहीं हम कब तक लड़ते रहेंगे और कब तक लोगों को समझाते रहेंगे कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो कि किसी को नुकसान पहुँचाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। नाज़िया जी की राय आज आपको कैसे लगी वो भी बताएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाज़िया जी। Thank you once again. धन्यवाद। राम भारत माता की जय।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, वहीं पे दूसरी ओर राहुल गांधी का जो चाइना प्रेम है उसको एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।